सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? चलिए तो निकालिए अपनी हिंदी की किताब और पेज नंबर 43 पेज निकालिए। आज क्या पढ़ना है? पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था, पेज नंबर 42 पढ़े थे, जिसमें ऊपर में थी चांद की बांसुरी कविता और नीचे में शब्द तरंग, जिसे हम चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़े थे। जिसमें आज है पेज नंबर 43 में आओ दोहराएं अंग यानी चंद्र बिंदु अनुनासिक लगाकर शब्द बनाइए। तो देखिए क्या है आज, चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएं या फिर अनुनासिक लगाकर शब्द बनाइए। आप लिखिए चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएं। ठीक है बच्चों, चंद्र बिंदु की मात्रा मैं यहां लिख देती हूं। ठीक है, सबसे पहले है ये क है, पहला है पेज नंबर 43 का पहला प्रश्न। कांच क्या है बच्चों? थोड़ा इधर से लिखती हूँ, बड़ा बड़ा लिखूंगी, आप लोग को सही से दिख पाएगा। कांच, ठीक है ना? इस पे हमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है, तो हम ध्यान देंगे, इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे जो इस पर चंद्र बिंदु की मात्रा कहाँ लगानी है। तो हम का पे लगाएंगे या च पे लगाएंगे? तो का पे लगा के देखेंगे, सही होता है तो हम छोड़ देंगे का पे ही लगा करके। तो क आकार का चंद्र बिंदु च, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों? कांच। क्या पढ़ेंगे इसे? कांच। तो ये सही है। चलिए दूसरा है पाँच। पाँच, अब इस पर सही मात्रा लगानी है तो हम लगा के देखते हैं। पहले पा पे पढ़ेंगे इसे, अब पा, प आकार पा चंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? पा, च, पाँच, ये भी सही है। इसको जब भी हम मात्रा लगाएंगे तो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। प आकार पा चंद्र बिंदु पा च पाँच, तो ये पा पे ही लगाने से सही हो गया। अब हम च पे नहीं जाएंगे। फिर क्या है बच्चों? यहाँ, यहाँ है तो हम किस पे लगाएंगे चंद्र बिंदु की मात्रा, बताइए? य पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? य चंद्र बिंदु य हा, य हा। क्या ये सही शब्द है? नहीं। अब हम य पर से हटा करके हा पे लगा देंगे। अब इसे पढ़ेंगे, य हा आकार हा चंद्र बिंदु हाँ यहाँ। तो ये सही है। हम बातचीत करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, यहाँ किताब है, यहाँ हम हैं, तो इस तरह से ये सही शब्द हो गया यहाँ। तो हाँ पे ही चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है। फिर बच्चों है वहाँ, फिर सोचिए वहाँ है तो किस पे लगेगी?
चंद्र बिंदु की मात्रा लगाइए। व ह आकार हा, वहाँ है, वहाँ पे अगर लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, वहाँ वहाँ। क्या ये सही शब्द है? आपने इसे कभी पढ़ा या सुना था? नहीं ना, तो ये गलत है। हम हाँ पे लगाएंगे और फिर पढ़ेंगे। व ह आकार हा, चंद्रबिंदु हाँ, वहाँ वहाँ। ये तो हम बोलते हैं ना आपस में जब बातें करते हैं, बुक में भी पढ़ते हैं, तो ये शब्द सही है। तो ये क्या हो गया बच्चों, वहाँ सही है। अब देखिए दांत, दांत, दांत है। तो फिर क्या करेंगे हम, कभी भी किसी भी शब्द में अगर कोई भी मात्रा लगाना है तो पहले हम पहले वाले अक्षर पर ही लगा के देखेंगे कि वो सही होता है कि नहीं। वो नहीं सही होता है तो फिर दूसरे पे लगाएंगे, फिर तीसरे पे लगाएंगे, जहाँ हमें सही शब्द बोलने के साथ साथ समझ में आए कि ये सही है तो ही हम सही मात्रा लगा पाएंगे। तो सबसे पहले दा है और त है, तो सबसे पहली वाले अक्षर पे लगाएंगे, दा पे लगाएंगे, त पे तो हम बाद में लगाएंगे। द पे अगर सही हो जाता है तो हम त पे नहीं जाएंगे। तो देखिए द आकार दा, चंद्र बिंदु त, क्या हो गया बच्चों, दांत। ठीक है, ये भी सही है। अब है धुआ, ठीक है ना, धू आ, धुआ है। अब क्या हम करेंगे, चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे। तो बताइए बच्चों, धुआ पे हम ध पे लगाएंगे या आ पे लगाएंगे, बताइए क्या हम लिखेंगे। धुआं, धू आ, धुआं। तो इसकी मात्रा कहाँ लगेगी, ध पे या आ पे, बताइए। अब बच्चा सोचिए हम कहाँ लगाएंगे। ठीक है, सोच लिया आपने कहाँ लगानी है चंद्रबिंदु की मात्रा। धू पे अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, धू आ, धू आ नहीं होगा। अगर आप पे लगाते हैं तो क्या होगा बच्चा, बच्चों, धुआं, धुआं। ठीक है ना, चलिए अब आगे है धुआं के बाद आधी। ठीक है ना, आधी। अब आधी पे हम कहाँ लगाएंगे मात्रा, ये तो सिंपल है, आसान है। आ पे नहीं लगी हुई है और ध पे तो लगी हुई है, तो सीधी सी बात है हम आ पे ही लगाएंगे। ये हो गया आ, चंद्र बिंदु, धी, आंधी। ठीक है ना, फिर क्या है बच्चों, फांसी, फांसी। पहले हम लिखेंगे फांसी, फांसी। तो ये भी आसान है, स पे दीर्घी की मात्रा लगी ही हुई है तो इस पर हम चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे ही नहीं, तो आसान सी बात है, ये फ पे ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, फ आकार फा, चंद्रबिंदु फांसी, फांसी। समझ गए। अब है नूर जहा, क्या है बच्चों, नूर जहाँ। ठीक है, अब नूर जहाँ पे ये छोटा सा जगह पर रहा है, मैं आपको नीचे में लिख के दिखाती हूँ।
नूर जहां। अब इस पर हम मात्रा लगाएंगे चंद्र बिंदु की, तो न पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ नूर जहां। अब मात्रा लगाएंगे पहले न पे, चंद्र बिंदु की मात्रा क्या हो जाएगा नूर जहां, ये सही नहीं है। फिर र पे अगर लगाते हैं तो नूरंग जहां, ये भी आप नहीं सुने हैं, कहीं भी नहीं पढ़े हैं। ज पे लगाते हैं तो नूर जंगहा, ये भी गलत है। इस तरह से हम लिख लिख करके, पढ़ पढ़ के, चेक करके, समझ के हम मात्रा लगाएंगे। अब तो ये तीनों पे गलत हो रहा है, हम सबसे अंत में लगाएंगे कहाँ हा पे, क्या हो जाएगा बच्चों नूर जहां। ये तो आप सुने भी हैं, नूर जहां पढ़े भी हैं, तो ये हा पे लगा मात्रा सही है। अब क्या है बच्चा, बच्चों पहुँचना, क्या है पहुँचना, पहुँचना के लिए फिर हम मात्रा लगा के पढ़ेंगे। तो मैं लिखती हूँ प हू च ना। अब हम कहाँ मात्रा लगाएंगे, पहले प पे लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा, पहुँचना, क्या हो जाएगा पहुँचना, ये कोई शब्द नहीं है। हम तो इस बात को बार बार बोलते हैं कि कोई पहुँचा, हम पहुँच गए, आप पहुँचे, इस तरह से। तो ह पे लगाएंगे, एक बात का ध्यान दीजिए, ह पे लगाए हैं तो बिल्कुल ह के ऊपर ही मात्रा होना चाहिए, ये रहा ह के ऊपर, सामने सामने, ऐसा नहीं कि हमें पहुँचना लिखना है तो हम यहाँ भी मात्रा लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा। जिस शब्द के ऊपर हम मात्रा लगाएंगे बिल्कुल सामने सामने हम ऊपर उसी के, उसी अक्षर के ऊपर मात्रा लिखेंगे। तो अब क्या है बच्चों, प ह हर सु हु चंद्र बिंदु हूँ च न आकार न पहुँचना, ये शब्द सही है। एक दो और शब्द बना लेते हैं, एक दो शब्द बना लेते हैं, जैसे कि चलिए यहाँ बनाती हूँ मैं गाँव, गाँव है। अब गाँव में हम कहाँ लगाएंगे चंद्र बिंदु की मात्रा, तो सबसे पहले ग पे लगा के देखते हैं, ग आकार गा, सॉरी ग आकार गा चंद्र बिंदु गा व गाँव, तो ये सही है, ग पे ही मात्रा लग गया। अब हम क्या लगाएंगे पाव, पाव पे फिर प आकार पा चंद्र बिंदु व, क्या हो जाएगा प आकार पा और चंद्र बिंदु पाव, पा व पाव। इस तरह से हम लोगों ने गलत शब्दों को सही मात्रा लगा करके सही शब्द बनाया, ठीक है ना। अब इसे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, चलिए बच्चों तो आइए पढ़ लीजिए, क्या है चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएं, क्या है यहाँ कांच, तो कांच को हमने क्या बनाया कांच, का पे क्या लगा चंद्र बिंदु की मात्रा। फिर यहाँ है पांच, तो यहाँ बनाया पांच, प आकार पा चंद्र बिंदु पा च पांच, य ह आकार हा है यहा, तो हमने बनाया इसे य ह आकार हा चंद्र बिंदु यहाँ, ठीक है। फिर वहाँ को क्या बनाया वहाँ, व ह आकार हा चंद्र बिंदु वहाँ। फिर है दांत, दांत को दा पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगाया, तो दा आकार दा चंद्र बिंदु दा त दांत, ये हो गया। फिर धुआ, धा हरश उ धू आ चंद्र बिंदु धुआ। फिर है बच्चों आधी, आधी को हमने लिखा
आंधी, आ चंद्रबिंदु, ध दीर्घ ई आंधी। फिर है फांसी, इसे क्या लिखा, फ आकार फा चंद्रबिंदु स दीर्घ ई सी फांसी को हमने बनाया फांसी। फिर गांव को गा चंद्रबिंदु गा व गांव। फिर है नूर जहां, नूर जहां, हा पे चंद्रबिंदु लग गया तो ये क्या हो गया बच्चों, नूर जहां। फिर है पहुंचना, तो हमने ह यानी ह हरसु हु पे चंद्रबिंदु की मात्रा लगाया तो ये हो गया पहुंचना। पाव, पा पे चंद्रबिंदु की मात्रा लग गया तो क्या हो गया पाव। इस तरह से हम लोगों ने चंद्रबिंदु की मात्रा लगाया, गलत शब्दों को सही शब्द बनाया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम, तो ध्यान से पढ़ते रहिए और इसे याद कर लीजिएगा।